हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अभिजीत और यू आर वाचिंग कोड कीन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। आई पोस्ट जैंगो रिलेटेड स्टफ एंड अ लॉट ऑफ वीडियोस आर ऑलरेडी ऑन द चैनल, सो यू कैन चेक आउट। एंड आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम API व्यू क्या होता है। सो जो नॉर्मल हमारा डेकोरेटर होता है उससे हमारा कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक हर एक मेथड के लिए अगर हम देखें, हमें अलग अलग मेथड लिखना पड़ता है। गेट के लिए, जिसने पहले वीडियोस ना देखे वो पहले देख लेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। गेट के लिए हमने एक अलग मेथड बनाया, पोस्ट के लिए अलग बनाया, पुट के लिए हमने एक अलग मेथड बनाया, डिलीट के लिए फिर हमने एक अलग मेथड बनाया। लेकिन जब कोड हम करते हैं तो ऐसा होता है ना कि ज़्यादा कोड हमारा ना लिखना पड़े या कम्पैक्ट कोड रहे हमारा, तो उसके लिए हमारे पास जांगो के अंदर API व्यू होता है। तो API व्यू जो होती है वो एक क्लास होती है, उसको हम इनहेरिट करते हैं अपने जो भी हम क्लास बनाते हैं उससे इनहेरिट करते हैं। और उसके अंदर कुछ सेट ऑफ मेथड्स होते हैं जो पहले से बने होते हैं, उन्हें हमें ओवरराइड करना होता है। लाइक उसके अंदर गेट मेथड होता है, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है, तो इन तरीके के मेथड्स होते हैं। तो अब हम उन मेथड्स को लिखेंगे और API व्यू को अपने बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा API व्यू। तो सबसे पहले हम API व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद लिखेंगे लाइक फ्रॉम जैंगो API व्यू, और उसके बाद ये जो हमारी राउट थे इनको हम कर देते हैं कमेंट। उसके बाद में इनको भेज देते हैं बहुत ज़्यादा नीचे, एंटर मार मार के। उसके बाद फिर URLs में चलते हैं, क्योंकि अब हमने इनको कमेंट आउट कर दिया तो इनका कोई काम नहीं रह गया। इनको फिर से हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने व्यूज़ में, उसके बाद में अपना API व्यू लिखते हैं। तो हम जो API व्यू लिखेंगे वो स्टूडेंट का API व्यू लिखेंगे, तो इसलिए हम इसका नाम भी कुछ स्टूडेंट जैसा देंगे। तो लिखेंगे क्लास स्टूडेंट API, और उसके बाद ये इनहेरिट करेगा API व्यू से। उसके बाद में इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, गेट होता है, ठीक है, इसको अभी हम कर देंगे पास। और इसके अंदर मेथड होता है गेट डेफ होता है, पोस्ट होता है, इसको भी कर देंगे हम पास। उसके बाद इसके अंदर मेथड होता है पुट, इसको भी कर देंगे पास। और मेथड होता है हमारा पैच का, इसको भी कर देंगे हम पास। उसके बाद में इसके अंदर मेथड होता है डिलीट का, डेफ डिलीट, इसको भी हम कर देंगे पास। ओके, सो ये मेथड्स होते हैं। अब हम इनको कॉल करेंगे, जैसे हम स्टूडेंट अपना सीरियलाइजर लिख रहे थे तो उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये डेटा को हम अनकमेंट कर देंगे, और तो ये हमारा मेथड बन गया। अब इस API व्यू को हम यूज़ करेंगे। चलते हैं अपने urls.py में, लिखते हैं यहाँ पे पाथ, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट। उसके बाद में लिखेंगे स्टूडेंट API डॉट एज व्यू, इसके अंदर मेथड होता है उसको कॉल करेंगे। अब ये क्या बन गया, सारे के जितने भी मेथड थे इसमें गेट पोस्ट पुट डिलीट सारे इसी राउट पे कॉल होंगे। अब हम चलते हैं अपने थंडर क्लाइंट में और रिक्वेस्ट को कॉल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद में यहाँ करते हैं गेट रिक्वेस्ट। गेट जैसे ही करेंगे तो क्या हो गया, हमारा सारा डेटा आ गया। ऐसे ही जब हमें पोस्ट करना होगा तो हम यहाँ पे मेथड चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, और ये पोस्ट मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने पोस्ट मेथड में, फिर जो हमारा लॉजिक लिखा हुआ था उसी लॉजिक को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अनकमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा इंडेंटेशन सही कर लेते हैं। तो ये हमारा API व्यू फिर से बन गया, ठीक है। अब इसी के अंदर पोस्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो जो हमारा डेटा था हम इसे ऐसे कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं अपने बॉडी में, इसको करते हैं पेस्ट। ID को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ID जो है हमारी ऑटो जनरेटेड, जो ऑटो जनरेट होगी। यहाँ पे नेम में कुछ भी दे सकते हैं, ABC, और एज उसकी वही हमारे जो नॉर्मल हमारा जो वैलिडेशन वगैरह सब लिखे थे, सारा का सारा काम करेगा। बस इसमें हम API व्यू यूज़ कर रहे हैं, फादर नेम में XYZ, और उसको जब हम पोस्ट करेंगे तो ये हमारा एरर फेंकेगा, क्योंकि हमने अपने सीरियलाइजर में एक वैलिडेशन लगा के रखा हुआ जो 18
ईयर से ऊपर की डेटा, मतलब अगर 18 से कम एज है किसी भी स्टूडेंट की, तो वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर इस जिसने वीडियो नहीं देखा हो तो वो पहला वीडियो देख सकता है इसके पहले का। ओके, सो अब देखो यहाँ पे तुम्हें सब चीज़ें पता चल रही होंगी कि कैसे हमारा API व्यू कॉल होता है। अब हम अगर इसकी एज मैनुअली सही सेट करेंगे तो जो हमारा डेटा है वो क्रिएट हो जाएगा, और अगर हमें रिकॉर्ड में चेक करना होगा तो हम गेट रिक्वेस्ट करके इसको चेक कर सकते हैं। ये XYZ हमारा एड ऑन हो चुका है। सो अब हम आते हैं अपने पैच मेथड की तरफ। पैच मेथड में जो भी हमने पहले लिखा हुआ था उसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इससे, जब हमने इसे कॉपी कर लिया उसके बाद हमने इसमें पेस्ट कर दिया। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पैच और पुट मेथड में क्या डिफरेंस होता है, तो जिसने इस वीडियो को पहले नहीं देखा हो तो वो देख लेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो अब हमारा एक सेकेंड, थोड़ा सा इंडेंटेशन गड़बड़ है, तो ये हमें यहाँ पे तो अब हमारा कोड सारा काम कर गया। मतलब पहले हम स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट लेकर के आए, ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमने सीरियलाइजर में डेटा पास कर दिया और उस यूज़र का उस स्टूडेंट का इंस्टेंस पास कर दिया और यहाँ पे पार्शियल इक्वल टू ट्रू कर दिया। उसके बाद कोई अगर वैलिडेशन एरर है तो यहाँ पे हमने थ्रो रिस्पॉन्स को रिटर्न करा दिया कि भाई ये एरर है, अदरवाइज हमने डेटा को सेव करा दिया और मैसेज में क्या कर दिया, योर डेटा इज़ अपडेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक इशू है, यहाँ पे ID तो हम पास नहीं कर रहे, तो ID हमें कहाँ से उठा के लेकर के आनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ID भी एक्सेप्ट करेंगे। ID हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, रिक्वेस्ट ऑफ डेटा ऑफ ID। तो हमें फ्रंट एंड से अब ID भी चाहिए होगी पैच रिक्वेस्ट के लिए। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और इसमें चेंज करते हैं पैच, और ये 9 वाला जो डेटा है इसको करते हैं अपडेट। यहाँ पे लिखते हैं ID में पास करते हैं 9, और जो भी 11 वाला था 11 को अपडेट करते हैं 11, और यहाँ पे लिखते हैं डैश अपडेटेड, और यहाँ पे भी लिखते हैं डैश अपडेटेड। उसके बाद में इसको करते हैं सेंड, तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स में आ गया अपडेट हो गया है। आईडी हमने यहाँ से पास कर दी थी। अब उसके बाद जब हम इसको गेट करेंगे तो फिर हमें जो डेटा होगा वो हमारा अपडेटेड वाला मिल गया। अब देख सकते हो, तो ये नेम अपडेट ABC अपडेटेड, एज वही 21 हमने पास करी थी, फादर्स नेम हमारी XYZ। तो इस तरीके से हमारा ये पैच वाला भी मेथड काम करने लगा। ऐसे ही सेम टू सेम लॉजिक हमारा पुट मेथड में हम एड ऑन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पे पार्शियल इज इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा। वही सेम कहानी डिलीट के साथ है। डिलीट में हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था। कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो। ठीक है, वही चीज़ें हैं, मेजरली API व्यू में बस हमें क्या है, सारी चीज़ें सामने सामने मिल जाएंगी। हमें ज़्यादा कोड इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, एक ही राउट पे हमारा सारा काम हो गया है ना, हमें अलग अलग राउट नहीं बनाना पड़े। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है कि तुम्हें सारा तुम्हारा कम कोड में काम हो गया, अदरवाइज तुम्हें हर एक के लिए अलग अलग राउट बनाना पड़ता, URLs अलग बनाने पड़ते, सारी चीज़ें तुम्हारी यहीं से हैंडल हो गई। वही हमने डिलीट में क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट ID गेट कर लिया, उसके बाद इसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे ID इज इक्वल टू 11 पास करते हैं, यहाँ पे करते हैं डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब उसके बाद फिर से भेजेंगे तो इनवैलिड ID। अगर हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हमारा 11 वाला डिलीट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा API व्यू था। API व्यू को क्यों तुम यूज़ करो, इसे ट्राई करो, इसमें ज़्यादा अगर कोई इशू आता है तो तुम मैसेज कर सकते हो, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो तुम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।